कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र, 100 सभाओं की बाप सभा। बोले 100 सभाओं की बाप सभा, सही बात है। 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ, पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहां हो रही है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुंबई में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई? वसूली के आड़ आने वालों को मनसुख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया? 100 करोड़ की वसूली के लिए गृहमंत्री जेल में गया कि नहीं गया? दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी? मुंबई में मेट्रो का, रास्तों का, सफाई का काम बंद है कि नहीं है? मुंबई के एसटीपी में 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? यशवंत यादव की संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसमें से एक भी चीज के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री बोले? हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के और देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 2.5 साल में इन महाशय ने एक भी भाषण प्रदेश के विकास पर नहीं दिया, प्रदेश के विषय पर नहीं दिया, प्रदेश के लोगों पर नहीं दिया। और अभी अभी हमने हनुमान चालीसा का पठन किया। हनुमान चालीसा तो हमारे दिल में रहती है, पर ये जो रवि राणा, नवनीत राणा है ना, ये नादान है। इनको पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा की 2 लाइनें उद्धव जी को और इस सरकार को पहले से पता है, और सिर्फ उन 2 लाइनों पर वो काम कर रहे हैं। कौन सी 2 लाइनें? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई, और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी, अपनी मातोश्री को। गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा, और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राजशिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा?